नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह। करवा चौथ पर देश की महिलाएं पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन देश भर में बड़ी संख्या ऐसी शादीशुदा महिलाओं की है जो इस मौके पर अपने पति के लिए लंबी उम्र की बजाय कड़ी सजा की मांग कर रही हैं। या अगर ये कहें कि इनमें से कई महिलाएं अपने पति के लिए मौत मांग रही हैं, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अकेले पंजाब में ही इस तरह की महिलाओं का आंकड़ा 30,000 का है। राज्य महिला आयोग ने दावा किया है कि पंजाब में करीब 30,000 महिलाएं ऐसी हैं जो एनआरआई पति के प्रकोप का शिकार हुई हैं। एक एनआरआई युवक भारत आता है और अपने माता पिता को खुश करने के लिए या दहेज के लालच में भारतीय लड़की से शादी कर लेता है। उसके बाद वो अकेले विदेश चला जाता है या फिर पत्नी के साथ जाता है और फिर शुरू होता है बेवफाई का खेल। एनआरआई युवक से शादी के बाद महिलाओं की नर्क बनती जिंदगियों का मामला देश भर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। एनआरआई की हमसफर बनने के बाद विदेश पहुंची युवतियों के परेशानी की कई बार दास्तानें सामने आई हैं। विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 8 घंटे में एक बेटी अपने पेरेंट्स से मदद के लिए गुहार लगाती है। ये महिलाएं विदेश में पति द्वारा छोड़ने, बुरे बर्ताव और शारीरिक प्रताड़ना जैसी घटनाओं का शिकार होती हैं। विदेशों में भारतीय मिशन में काम करने वाले वकीलों, कार्यकर्ताओं और लोगों के अनुसार इस तरह की शिकायत दर्ज करवाने वाली अधिकतर महिलाएं पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात से होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी कुछ साल पहले इस मामले में एक अध्ययन किया था और उस अध्ययन में भी ये पुष्टि की गई थी कि महिलाओं को परेशानियां होती हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाकर एनआरआई पुरुषों की जानकारी का रिकॉर्ड रखने का निर्णय लिया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक ऐसी वेबसाइट की शुरुआत करेगा जिस पर देश के हर राज्य में एनआरआई पुरुषों से होने वाले विवाह का विवरण राज्य के रजिस्ट्रार को अपलोड करना होगा। एक ऐसी वेबसाइट जिस पर एनआरआई दूल्हे के घर के पते और दफ्तर के पते समेत उससे जुड़ी सभी जानकारियां होंगी। रजिस्ट्रार को विवाह के पंजीकरण के ठीक बाद सब डिटेल वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस वेबसाइट को शुरू करने का उद्देश्य एनआरआई पतियों द्वारा पत्नियों को छोड़ देने की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाना है। हालांकि सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि एक साल में औसतन कितनी भारतीय महिलाओं ने एनआरआई व्यक्तियों से विवाह किया है। बीते 21 दिसंबर को विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने संसद में बताया कि साल 2015 से अब तक विदेशों में स्थित भारतीय मिशन के पास भारतीय महिलाओं ने अपने एनआरआई पति से जुड़े विवादों की 3,328 शिकायतें दर्ज कराई। इनमें से 3,268 महिलाओं को परामर्श दिया गया और उन प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया जिनके जरिए वो एनआरआई पतियों को कानूनी समन भेज सकती हैं। वर्तमान में केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां एनआरआई विवाहों को पंजीकृत किया जाता है, जैसे पंजाब, जहां सबसे पहले ऐसी शादियों को पंजीकरण करना अनिवार्य बनाया गया ताकि सरकार के पास ये आंकड़ा रहे कि साल भर में कितनी युवतियों की शादी एनआरआई दूल्हों से हुई है। जो वेबसाइट की जानकारी हमने आपको अभी बताई वो जानकारी जनवरी 2018 की है और अब चल रहा है नवंबर, यानी 10 महीने बीत गए हैं लेकिन सरकार ने अब तक उस पोर्टल को नहीं बनाया, या वो महिलाएं अब तक उस पोर्टल का इंतजार कर रही हैं जिसका दावा सरकार ने किया था और उस समय इन महिलाओं को ये आश जगी थी कि उन्हें भी अब न्याय मिलेगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार का विदेश मंत्रालय जल्द ही अपने किए गए वादे को निभाएगा और पति के होते हुए अभागन बनी महिलाओं को उनका हक वापस मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट जो उन महिलाओं के लिए थी जो पति के होते हुए भी अभागन बनी हुई हैं और एनआरआई पति के प्रकोप का शिकार हुई हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की खबरें नियमित पाने के लिए बेल आइकॉन का जो बटन है वो भी दबाएँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।